जी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हमारे को यहाँ दैनिक स्वाध्याय के क्रम में इष्टोपदेश के आधार से चर्चा करनी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की यह बहुत उत्कृष्ट रचना इष्ट उपदेश नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के आधार से चर्चा करते हुए हम 22वें सूत्र की टीका तक की चर्चा यहाँ कर चुके हैं। इसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 57 है, इसका भावार्थ 22वें श्लोक का भावार्थ। देखिए, प्रथम श्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यान अवस्था में स्व संवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। कितनी सुंदर विधि इन्होंने यहाँ बतला दी है आत्मा के अनुभव के लिए। हम सबका एक ही प्रयोजन दिखता है, सबका एक ही लक्ष्य है। हम लोग सब यही चाहते हैं कि आत्मा का अनुभव हो। अब वो आत्मा का अनुभव किस प्रकार हो सकता है वो बहुत कठिन दिखता है। लगता है आत्मा का अनुभव आखिर होगा कैसे, इस आत्मा का अनुभव करें तो आखिर कैसे करें। तो इन्होंने कहा श्रुत ज्ञान के द्वारा सबसे पहले तो आत्मा को जानना। श्रुत ज्ञान के द्वारा जब आत्मा को ही जान लिया तो फिर अनुभव के लिए और अलग क्या होगा, बस आत्मा जानने में आ गया और हो गया अनुभव। अरे भाई, श्रुत ज्ञान के द्वारा जानने का मतलब शास्त्र के द्वारा जानना, आत्मा के स्वरूप के बारे में जानना, आत्मा के स्वरूप के बारे में शास्त्र आधार से जानकर उसका चिंतन करना। ये उसकी बात चल रही है यहाँ पर, क्या और कुछ नहीं करना है हमारे को। सबसे पहले जानो, परिचय के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। फर्स्ट स्टेप है ये। तो जिस व्यक्ति ने ज्ञायक भगवान आत्मा के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं हो, कभी कुछ जाना ही नहीं हो, जिसको भगवान आत्मा का परिचय ही नहीं हो, अब उस आदमी को आत्मा का अनुभव कैसे होगा। आत्मानुभव के लिए, आत्मानुभूति के लिए सबसे पहली शर्त है ये। प्रथम भूमिका में सर्वप्रथम आत्मा के अनुभव करने की जिज्ञासा रखने वालों को सबसे पहले तो आत्मा के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से आप आत्मा को जाने, है ना। श्रुत ज्ञान के द्वारा आप आत्मा का परिचय प्राप्त करें, फिर आत्मा में एकाग्र होने के लिए, आत्मा को जानने के पश्चात क्या करना पड़ेगा, फिर एकाग्रता, जिसे जाना है उसके परिचय के प्रति एकाग्र हो जाओ, उसी में उपयोग हमारा लगे। इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति वो है ना, राजेंद्र जी जबलपुर वालों का भजन, अपनी ही महिमा ने आई। अभी हम लोग कोटा जा करके आए थे येवल्ली बाबू जी के पास में और काफी चर्चा उनसे हुई, एक ही बात कही उन्होंने, तो सच में तेरी रुचि नहीं है। तो बातें करता है ना इस प्रकार की, असली बात ये है कि रुचि नहीं है तेरी। जिसके अंदर से रुचि होती है उसको सब बातें ख्याल में आती है, रास्ता मिल जाता है फिर उसको। हम आत्मा के अनुभव की बातें तो करते हैं और अभी रुचि का झुकाव
पंचेंद्री विषयों के प्रति है। ये सच्चाई है, हमारी रुचि का झुकाव पंचेंद्री विषयों के प्रति है, हमारी रुचि का आकर्षण वो विषय है, पंचेंद्री विषय भोग। देखिए आप, श्रुति ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की प्रवृत्ति तो, बाह्य प्रवृत्ति तो स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद वृत्ति का नाश होगा। उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होगा और ध्यान अवस्था हो जाएगी, उसे ध्यान कहेंगे हम, जहां एकाग्र होकर के समस्त चिंताएं रुक गई है, उसे हम कहेंगे ध्यान, वो ध्यान कहलाता है। ऐसा चिंताओं का निरोध होकर ध्यान अवस्था में स्वसंवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव, स्वसंवेदन, संवेदन कहते हैं ज्ञान को। ये जो है ना ज्ञान, ये ज्ञान अपने आप को जान सकता है, ये कहलाता है स्वसंवेदन। सांख्य मत वाले, सांख्य दर्शन वाले ऐसा नहीं मानते, ये उनको अस्वसंवेदन ज्ञानवादी कहते हैं, अस्वसंवेदनवादी सांख्य। ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं आचार्यों ने, वो ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं ज्ञान पर को तो जानता है लेकिन अपने को नहीं जानता, स्वसंवेदन नहीं हो सकता। पता है तर्क क्या देते हैं, जिस तरह से आंख पर को देखती है लेकिन स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती, उसी तरह से ज्ञान भी पर को तो जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जान सकता। ये उदाहरण दिए जाते हैं पर प्रकाशक पने के लिए, स्वप्रकाशक नहीं है, यहाँ स्वसंवेदन अनुभव की बात कर रहे हैं। हमारे को अनुभव हुआ या नहीं हुआ ये बात जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, ये स्वसंवेदन है। कई दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, दुनिया में ऐसे लोगों की क्या बात करें, हम लोग भी स्वसंवेदन वाले थोड़ी ना है, हमको भी हमारी भी दृष्टि हमारा ज्ञान परमुखापेक्षी दिखाई देता है। हम अपने अनुभव में आती हुई, अपने ज्ञान में आती हुई चीज का भी कंफर्मेशन दूसरे के ज्ञान से कराना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई चीज लर्न हो गई, अब वो कहेंगे कि आप सुन लो हमारे से, कि क्यों सुन ले, हो तो गई तेरे को याद, अब क्या सुनना है बताओ, हो गई ना, याद हो गई ना, कि नहीं नहीं आप सुन लो मेरे को याद हुआ या नहीं हुआ। अरे कैसी बात कर रहे हो, हमारे सुनने और नहीं सुनने से तुम्हारे याद होने का क्या मतलब है, नहीं आप सुन करके बताओ कि मुझे याद हुआ, ये कैसा ज्ञान है, पर संवेदन, पर से निर्णय। बच्चों की क्या बात करें, हम लोग नहीं करते हैं, हम कोई क्रिया करेंगे, कोई धार्मिक क्रिया करेंगे और फिर पूछेंगे कि क्यों मैं सही कर रहा हूं ना, मैंने सही बोला ना, अरे कैसी बात कर रहे हो आप, मैंने सही बोला ना, आपका ज्ञान आपका निर्णय करने में समर्थ है, आपका ज्ञान आपका परिचय प्राप्त करा सकता है, आप दूसरे से कैसे पूछते हो इस चीज के बारे में, कहीं दूसरों में नहीं है ये अन्यमति, पर को ही जानने वाले हम लोग भी इसी प्रकार के हैं। यहाँ तो स्वसंवेदन की बात कर रहे हैं भैया, स्वयं को अनुभव में आ सके। दुनिया में कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ पर को जानता है, और कुछ दर्शन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ज्ञान पर को नहीं जानता, सिर्फ स्वयं को जानता है। ऐसा स्वरूप है, पर को नहीं जानता सिर्फ स्वयं को जानता है, स्वयं को नहीं जानता सिर्फ पर को जानता है। और उदाहरण भी कैसा लगता है अपने को, कि अपने आप को कैसे जानेगा, भला आंख भी अपने आप को देख सकती है क्या, सारी दुनिया को देखने वाली आंखें अपनी आंखों को नहीं देख पाती, स्वयं स्वयं को नहीं देख पाती,
ज्ञान का स्वरूप भी कुछ इसी प्रकार का दिखाई देता है। तो कहते हैं नहीं, ज्ञान का स्वरूप नेत्र के समान नहीं है। तो कैसा है कि ज्ञान का स्वरूप दीपक के समान है। जिस तरह से दीपक दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है लेकिन स्वयं अपने आप को भी प्रकाशित करता है, दिखाता है, झलकाता है, प्रकट करता है, दीपक दूसरे पदार्थों के साथ साथ स्वयं को भी झलकाता है। हम ये बात आपको बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल अपने उपयोग में बैठा लीजिए ये बात। दीपक से दूसरी वस्तुएं तो दिखी, अब उस दीपक को देखने के लिए किसी दूसरे दीपक को जलाना पड़ेगा? नहीं, जिस दीपक से दूसरी वस्तुएं प्रकाशित हो रही है वह दीपक स्वयं अपने आप को भी दिखाने में समर्थ हो रहा है, वो अपने आप को दिखाने का भी कार्य कर रहा है। ख्याल में आई बात? स्वसंवेदन, अपना ज्ञान, अपना अनुभव। लोग तो ऐसा भी कंफर्मेशन मांगते हैं, ऐसा भी सर्टिफिकेट मांगते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, आप इस बात का सर्टिफिकेट दे दीजिए, आप बताइए मुझे सम्यक दर्शन हुआ या नहीं। अरे कैसे बताएं, आप बताइए मुझे सम्यक दर्शन हुआ या नहीं, बताया जा सकता है क्या? मरीज ये कहे डॉक्टर साहब आप बताइए मेरे दर्द हो रहा है या नहीं, भैया स्वयं संवेदन से बताओ, पर संवेदन से मत जानो। हम जांच के आधार पर कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, हम रिपोर्ट्स के आधार पर कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। हम ठीक है, ये कह रहे हैं आत्मा का अनुभव किसी दूसरे के बेस पर नहीं, आत्मा का अनुभव आत्मा के द्वारा होता है, स्वयं के द्वारा होता है, ध्यान अवस्था में होता है, और स्वयं का संवेदन स्वयं के द्वारा, इसे कहा स्वयं संवेदन, अपने से ही अपना ज्ञान। देखिए आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो ज्ञान पांच इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था वह ज्ञान सब और से सिमटकर निर्विकल्प अनुभव में केवल स्व रूप सन्मुख हुआ, क्योंकि वह ज्ञान क्षोक्षम रूप है, वह एक काल में एक ज्ञेय को ही जान सकता है। अब वही ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्ता, तब अन्य को जानना सहज ही बंद हुआ। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार होने पर भी स्वरूप ध्यानी को उसका कुछ पता नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ तथा नयादिक के विचार मिटने से श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। इसलिए जो ज्ञान इंद्रियों और मन द्वारा प्रवर्तता था वही ज्ञान अब निज अनुभव में प्रवर्तता है, तथापि उस ज्ञान को अतिंद्रिय कहते हैं। ये रहस्यपूर्ण दृष्टि का बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। ख्याल में आए कितने सुंदर तर्क दिए हैं, कितने सुंदर बात की है, कितने सुंदर व्याख्या की है। भाई ज्ञान तो वही है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, उसमें तो फर्क नहीं है। वही मति ज्ञान, वही श्रुत ज्ञान, और वही मति और श्रुत ज्ञान जो अब तक इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता था, अब इंद्रियों और मन के माध्यम से उस मति ज्ञान ने, उस श्रुत ज्ञान ने प्रवृत्ति करना बंद कर दिया। तो फिर जब उनकी तरफ से प्रवृत्ति बंद हुई तो क्या हुआ? निज अनुभव में प्रवर्तता है वही ज्ञान, अतिंद्रिय कहलाता है। मति श्रुत ज्ञान अतिंद्रिय हो सकते हैं या नहीं? अतिंद्रिय ज्ञान कौन सा ज्ञान है? क्या वैसे तो आचार्य कुंद स्वामी ने केवल ज्ञान के लिए अतिंद्रिय ज्ञान अतिंद्रिय सुख की चर्चा की है, अरहंतों के लिए केवल ज्ञान
अभी यहाँ जो अतींद्रिय ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये अतींद्रिय ज्ञान मतिश्रुत है, हमारी भी अतींद्रिय ज्ञान हो सकता है। मतलब जब वो ज्ञान, देखिए ज्ञान तो वास्तव में ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है, ज्ञान नाम का एक गुण है अंदर में और उसकी प्रति समय उत्पन्न होने वाली एक पर्याय है जिसे ज्ञान पर्याय कहा जाता है। ज्ञान गुण और उसकी उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय, दोनों के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। अब प्रति समय पर्याय तो ज्ञान ही होगी। अब यदि वो ज्ञान पर्याय वाया इंद्रियां दूसरे पदार्थों को जान रही है, इंद्रियों के माध्यम से दूसरे पदार्थों को जान रही है, तो हम कह देंगे उसे इंद्रिय ज्ञान। और जब वही इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति न करके आत्मा के अनुभव में, आत्मा को जानने में प्रवृत्त हो रही है, वही पर्याय तो कहलाएगी अतिंद्रिय ज्ञान की पर्याय। माने उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहें उस ज्ञान को अतिंद्रिय ज्ञान कहें, ये डिपेंड करता है उस ज्ञान का विषय क्या है, उसके आधार पर। देखिए आत्मा स्व पर प्रकाशक, स्व पर प्रतिभास स्वरूप है, अर्थात स्व पर प्रकाशक है, वह स्वयं अपने को जानते हुए पर जानने में आ जाते हैं, इसलिए उसको जानने के लिए अन्य कारणों की आवश्यकता नहीं रहती। जिस समय अपने को जान रहा है उस समय पर भी जानने में आते हैं, जिस समय पर को जान रहा है उस समय स्वयं भी जानने में आ रहा है। देखो आप, ये पर प्रकाशक पने के साथ साथ स्व प्रकाशक पना भी साथ साथ में चलता है, युगपत पर प्रकाशक के साथ साथ में युगपत चलेगा स्व प्रकाशक पना, क्या प्रकाशक पर प्रकाशक ये साथ साथ में एट ए टाइम है। ऐसा नहीं है कि वो दीपक ये बात कहे कि भाई मैं पहले तो पर को प्रकाशित करूं देखो और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर मैं अपने आप को प्रकाशित करूंगा, या फिर वो कहे कि पहले मैं अपना काम निपटा लूं फिर बाद में दूसरे को प्रकाशित करूंगा। कहे भाई ऐसे दो भिन्न भिन्न समयों की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों ही काम एट ए टाइम एक ही समय में हो जाते हैं। क्या फिर देखिए आगे, स्वयं संवेदन में ज्ञप्ति क्रिया की निष्पत्ति के लिए अन्य कोई कारण अथवा साधकतम हेतु नहीं है। क्या स्व संवेदन में अपने आत्मा के ज्ञान में, अपने आत्मा के अनुभव में ज्ञप्ति क्रिया की निष्पत्ति के लिए, क्या वो जानन क्रिया निष्पत्ति संपन्न, स्व संवेदन में जानन क्रिया की संपन्नता के लिए अन्य करण उसका कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब ज्ञान के माध्यम से ज्ञान को जानना है, अब उसके लिए किसी और करण की क्या जरूरत हो सकती है, क्योंकि आत्मा स्वयं स्वपर ज्ञप्ति रूप है। आत्मा आत्मा को भी जान सके और आत्मा पर को भी जान सके है, स्वयं ऐसा द्विज्ञप्ति रूप है, इसलिए कारणांतर की अर्थात अन्य कारण की चिंता छोड़कर स्वज्ञप्ति द्वारा ही आत्मा को जानना चाहिए। शिष्य फिर पूछता है, भगवान आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है, क्यों करें आत्मा की उपासना, यदि हम आत्मा की उपासना नहीं करें तो। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है, क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक होती है।
क्या जितने भी विचारवान हैं उनकी प्रवृत्ति फल पूर्वक होगी, फल ज्ञान पूर्वक होगी। इस प्रकार पूछे जाने पर आचार्य कहते हैं, जड़ से जड़ता ही मिले ज्ञानी से निज ज्ञान, जो कुछ जिसके पास वह करे उसी का दान। कितने सुंदर बात कह दी, अज्ञानोपास्थिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। ये बहुत प्रसिद्ध वचन है, अज्ञानोपास्थिर ज्ञानम अज्ञानोपास्थिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय। 23 नंबर का श्लोक, अज्ञान जिसके पास में है वो अज्ञान देगा, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति देता है, यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वचः। वैसे बहुत प्रसिद्ध वचन है, सब जानते हैं भैया, जिसके पास में जो होगा वो व्यक्ति वही देगा। जिसके पास तो हर व्यक्ति, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और वे सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि मेरे बारे में कौन कैसा जानता है, बताओ। किसने कैसा जाना, अरे जिसने मेरे बारे में जैसी धारणा बना रखी थी ना, क्या उसने मेरे बारे में वैसा ही जाना, ऐसा ही होता है। सब व्यक्ति किसी न किसी के बारे में अपने मन में किसी न किसी प्रकार की धारणाएं बना करके बैठते हैं, और फिर पूछें कि वो व्यक्ति कैसे हैं, तो वैसा ही जवाब दे देते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसे हैं, ये व्यक्ति ऐसे हैं। क्या आपने कैसे कह दिया, हमने ऐसे कह दिया, हमने बस जैसा जान रखा था ऐसा बतला दिया, वही समझने लगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये आप दुनिया में कितने लोगों से मिलते हैं, सबके बारे में आपकी अपनी एक अलग धारणाएं हैं, और आप उसी नजरिए से, आप जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसको उसी नजरिए से देखते हैं जिस नजरिए से आपने उसको जाना है, जिस नजरिए से आपने उसको पहचाना है, जिस नजरिए से आप उसका अनुभव करते हैं, जब भी आप उसको देखते हैं आपको देखने का नजरिया वही होता है। वही बात कह रहे हैं, आप कैसा देखेंगे, आप कैसा जानेंगे, आप कैसा अनुभव कर पाएंगे, आप क्या दे पाएंगे, जो आपके पास में होगा वो आप दे सकते हैं, जो आपके पास में नहीं है वो आप दे नहीं सकते। चलिए थोड़ा सा अपन इसका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं ये। अज्ञान की अर्थात ज्ञान रहित शरीर आदि की उपासना, किसकी उपासना की बात कर रहे हैं, अज्ञान की उपासना की बात कर रहे हैं, शरीर रहित की उपासना की बात कर रहे हैं हम। कैसे उपासना होगी उसकी, उसकी सेवा अज्ञान ही देगी। जो व्यक्ति शरीर की उपासना करेगा, जो व्यक्ति ज्ञान रहित की उपासना करेगा उसको ज्ञान मिलेगा क्या, अज्ञान की उपासना की अज्ञान मिला। अर्थात अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानी सेवा ज्ञान देती है,
ज्ञानी सेवा से ज्ञान मिलता है, अर्थात ज्ञानी पुरुषों की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिसके पास जो होता है वही देता है, यह सुप्रसिद्ध बात है। यह बहुत सुप्रसिद्ध कथन है कि जिसके पास जो होता है वही देता है। आपके पास क्या है देने के लिए? देखिए, वीतरागियों के पास में जाएंगे तो वीतरागता मिलेगी, और रागियों के पास में जाएंगे तो राग मिलेगा। तो बोलते भी है ना ऐसा अपन, तो मतलब वीतरागियों के दरबार में जाकर के वीतरागता को देखो बस, और क्या करना है। आप रागियों के समीप जाएंगे तो आप राग का ही अनुभव करेंगे। इसलिए हम सरागियों के पास में जाने का निषेध करते हैं। आप यदि सरागियों के पास जाएंगे तो सरागी मिलेगा, वीतरागियों के पास जाएंगे तो वीतरागता का ही अनुभव होगा। ज्ञानियों के पास में बैठेंगे तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञानियों के पास में बैठेंगे तो अज्ञान मिलेगा, कषायियों के पास में बैठेंगे तो कषाय मिलेगी, मोहियों के पास में बैठेंगे तो मोह मिलेगा। आप कहाँ बैठना चाहते हैं, किसके पास में बैठे हैं, ये तो बतलाइए। आप टीवी के सामने बैठे हैं मान लीजिए तो क्या मिलेगा, और आप जिनवाणी के सामने बैठे हैं तो क्या मिलेगा। निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा ना भाई सर, इस बात का फैसला तो हमारे को ही करना है ना। क्या निर्णय करें, आपको क्या चाहिए? जिस दुकान पर जाएंगे आपको उस दुकान पर वही चीज मिलेगी। लड्डू की दुकान पर जाएंगे और दूध मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। दूध की दुकान पर दूध मिलता है और जवाहरात की दुकान पर लड्डू नहीं मिलते, दूध नहीं मिलते। आपको साहब कैसी बात करते हो साहब, समझ में नहीं आ रही। इतनी बड़ी आपकी ज्वेलरी की शॉप है, शोरूम है, और यहाँ आपको इतनी सी चीज नहीं मिलती, इतनी सी चीज नहीं मिल सकती है आपके यहाँ। एक 15 रुपए का, 20 रुपए का दूध मांग रहा हूं मैं आपसे, इतना सा दूध नहीं मिल सकता आपकी, इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हो आप। अरे भैया, जिसके पास जो चीज होती है वह वही चीज दे सकता है, और जिसके पास जो नहीं होता है वो चीज वो नहीं दे सकता है। इसलिए भगवान जिनेन्द्र देव के पास में जाकर के भी उनसे कुछ मांगने का प्रयास मत करना, क्योंकि उनके पास वो चीज है ही नहीं, वे वो चीज देंगे कहाँ से आपको, बताओ। बहुत सारे लोग जब ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगने की बात करते हैं तो मैं यही बात कहता हूं उनसे, आप बताओ सही उनके पास में क्या है, हमारे परमात्मा के पास में क्या है, क्या लेकर के बैठे हैं वे? हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास में। जब उनके पास में कुछ भी नहीं है तो फिर उनसे मांगेंगे तो कि सब कुछ मिल जाएगा, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। अरे उनके पास ही नहीं है क्या? बस इतना ही इस पंक्ति का सार अपने को समझना चाहिए, है ना। ज्ञान और अज्ञान के बारे में यहाँ बात की है। देती है कौन, वह क्या देती है? अज्ञान की उपासना, अर्थात अज्ञान माने शरीर आदि संबंधी मिथ्या भ्रांति, अथवा संदिग्ध
गुरु अधिक उसकी उपासना सेवा। क्या कह दिया? अज्ञान की उपासना माने अज्ञान का मतलब शरीर आदि के संदर्भ में जिसको मिथ्या भ्रांति है, या जो संदिग्ध गुरु है, संदिग्ध है, अज्ञानी है, ऐसे गुरु आदि उसकी उपासना सेवा क्या देती है? अज्ञान को अर्थात मोह भ्रम संदेह लक्षण वाले अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को तथा देती है कौन? वह ज्ञानी की अर्थात ज्ञान स्वभाव आत्मा की अथवा आत्मज्ञान संपन्न गुरु आदि की सेवा अर्थात अनन्य रूप से तन्मयता से सेवा क्या देती है? कि ज्ञान अर्थात स्वार्थावबोध लक्षण वाला ज्ञान देती है। ज्ञानी की उपासना से ज्ञान और अज्ञानी की उपासना से अज्ञान। गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन श्लोक 175 में कहा है, ज्ञानमेव फलम ज्ञाने। क्या? ज्ञान का फल प्रशंसनीय अविनाशी सम्यक ज्ञान ही है, ये निश्चय से जानो। अहो, यह मोह का ही महात्म्य है कि ज्ञान को छोड़कर यहाँ भी दूसरा शोधता है। ज्ञान का ऐसा महात्म्य है, कैसा महात्म्य है, ये ऐसा जानो कि वो अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की उपासना का फल अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति है, ये समझ लो आप। ज्ञान की उपासना का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की उपासना का फल निर्वाण की प्राप्ति है, ज्ञान की उपासना का फल पूर्ण ज्ञान है। क्या? और ये मोह का महात्म्य है कि ये ज्ञान को छोड़कर दूसरों को देखता है। दोनों की महिमा बतला दी। एक टोटरमल जी ने मोह की महिमा शब्द का प्रयोग किया था और एक यहाँ भी मोह की महिमा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मोह क्या चीज है और उसकी महिमा क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञान की महिमा क्या है, कौन सा ज्ञान प्रशंसनीय है? जो ज्ञान अपने ज्ञान से जाने, ज्ञान की उपासना करे, वो ज्ञान प्रशंसनीय है। लेकिन ये ज्ञानी जीव ज्ञानी बनता हुआ ज्ञान की आराधना क्यों नहीं करता? तो क्या मोह की महिमा ये भी है ना साथ साथ में? उस मोह की महिमा के कारण ज्ञान को तो छोड़ देता है और दूसरे की शोध खोज करता रहता है, दूसरे की उपासना करता रहता है, दूसरे को चाहता रहता है, दूसरे को देखता रहता है, प्रॉब्लम होती रहती है। शिष्य पूछता है, इस संबंध में कोई दृष्टांत भी है क्या? आप इस बात को समझाने के लिए कोई एग्जांपल, कोई उदाहरण कुछ दे सकते हो क्या? ऐसा शिष्य ने शंका की, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। आचार्य देव कहते हैं, यत् तु यस्यास्ति तदेव ददाति, तदेवं ददाति। यत् तु यस्यास्ति तदेवं ददाति। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जो हो वही देता है। ये उदाहरण है, अज्ञान की सेवा करने से अज्ञान मिलेगा, ज्ञानी की सेवा करने से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। इस बात के लिए आपके पास में कोई प्रमाण है कि क्यों नहीं है प्रमाण? ये प्रमाण ही तो दे रहे हैं हम। अरे हमने आपसे जाकर के कहा कि भाई साहब एक काम करो कि आप हमारे को थोड़ा सा है ना वो होता है ना स्क्रू ड्राइवर पेच कसने वाला, वो दे दो ना। हमने कहा भाई साहब हमारे यहाँ तो नहीं है। कि नहीं दे दो ना फिर भी। अरे भाई जब हमने कहा हमारे यहाँ है ही नहीं। अरे यार आप इतने बड़े आदमी हो, इतनी सी चीज मांग रहा हूँ मैं, आप 2 रुपए की चीज नहीं दे सकते मेरे को? लेकिन भाई साहब हमारे पास में होगी तो देंगे ना, हमारे पास में है ही नहीं तो देंगे कहाँ से?
बस ये इतना सिंपल है ये गणित। हमने पूछा पुद्गल से, क्यों भैया तुम्हारी प्रॉपर्टीज क्या है ये बतलाओ। उनका स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, पुद्गल की प्रॉपर्टीज है। अगर जीव की प्रॉपर्टीज क्या है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है। तुम्हें कहे सुख किसकी प्रॉपर्टी में आता है, जीव में कि पुद्गल में। तो आप जीव में है, अब मांसा किससे है, पुद्गल से। आप समझ रहे क्या कहना चाह रहे। सुख नाम का गुण, सुख नाम का तत्व, सुख लक्षण किस में पाया जाता है, किस में दिखता है कि सुख नाम का तत्व, सुख नाम का लक्षण तो जीव में है, चेतन में है। अब बोलो आप प्रैक्टिकल। ओहो, चेतन में सुख नाम का गुण, सुख नाम का लक्षण, और मैं मांग रहा हूं पुद्गल से, हे टीवी थोड़ा तो मजा दे दे, आनंद दे दे मेरे को, हे लड्डू तेरे में तो थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, अरे हलवा तेरे को खाने में से तो थोड़ा बहुत तो सुख मिलेगा, ये खीर तुझ में से तो आनंद आएगा, है हे अलास्का तेरे में तो सुख मिलेगा। अरे क्या क्या कर रहे हो तुम, किन में तलाश रहे हो। हे पुस्तक तुझसे तो सुखी हो जाऊंगा। अब पुस्तक ये कहती है, लड्डू ये कहते हैं, वो जो ऑर्नामेंट्स हैं हमारे गहने अच्छे गोल्ड डायमंड्स के, वो सब ये कहते हैं, भैया हम एक बात कहें आपको, बुरा नहीं मानो तो, कि कहो कहो क्या कहना है, कि भैया देखो आप हमसे सुख की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि हमारे पास में सुख नहीं है, हम आपको सुख नहीं दे सकते। क्या कह रही है वो वस्तु पुकार पुकार करके, ये न्याय है, लॉजिक है, ये लॉजिक से ये बात समझ में आती है या नहीं। आप यदि इस न्याय से इस बात को समझ लोगे, आपके सब बात समझ में आ जाएगी, रहस्य समझ में आ जाएगा, असली पॉइंट क्या है, असली बात क्या है। कौन समझे, कौन समझाए, हैं किससे समझे, किसको समझाए, बुद्धि से, तर्क से, युक्ति से समझने की चेष्टा करो, सब बात समझ में आती है, कौन देगा ये बताओ। क्या आपके यहाँ समझ लीजिए आप चावल बने हैं और उसके साथ में बाटी बनी है, कि इडली सांभर है, कि डोसे बने हैं, रोटी नहीं बनी आज, और कोई दरवाजे पर रोटी मांगने के लिए आ गया, आप क्या कहेंगे, आज नहीं बैठा हमारे पास में, हम रोटी कैसे दे सकते हैं आपको, आप चावल ले लो, कि नहीं मेरे को तो रोटी चाहिए। अरे कहाँ से दें, आज है ही नहीं हमारे पास में। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सरल दृष्टांत हो सकता है, या किसी समझदार व्यक्ति को समझाना चाहे तो इससे अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से आप चर्चा करके देखिए, आपको यही कहेगा कि भैया तेरे को मांगने की भी अकल नहीं है क्या, किससे मांग रहा है। एक भिखारी व्यक्ति भी होता है ना रोड पर, आपके यहाँ तो अमेरिका में उधर कहीं कोई भिखारी दिखते नहीं है, हमारे यहाँ तो रोड पे बहुत दिखते हैं, रेड लाइट पर खड़े हो तो चारों तरफ से गाड़ी के आसपास आकर के घेर लेते हैं, किससे मांगते हैं भीख, जो देने वाला दिखता है, जिसके पास में पैसा दिखता है, जिसके पास में हो उससे मांगते हैं। आपने कभी देखा एक भिखारी को दूसरे भिखारी से भीख मांगते हुए, नहीं मांगता है ना कोई भी। हम भगवान से जाकर के मांगे, चाहे पर वस्तुओं से मांगे, चाहे पर में सुख की कल्पना करें, ये सब बातें इसी प्रकार की है। बोलो, यहाँ शिष्य पूछता है कि इस संबंध में क्या दृष्टांत है, ये प्रश्न किया यहाँ पर, मिल गया ना 59 पेज है मेरी पुस्तक में, तो यहाँ शिष्य पूछता है कि इस संबंध में क्या दृष्टांत है।
आचार्य कहते हैं यत्तु यस्यास्ति तदेवं तदाति। इसका अर्थ यह है कि जिसके पास जो हो वही देता है, बस। अर्थात जिसके स्वाधीन पास जो है वह उसकी उपासना करने पर देता है। राजा की सेवा करो और धन की इच्छा रखो तो मिल जाएगा, क्या? और वैद्य जी की सेवा करो और निरोगता की अपेक्षा रखो तो मिल जाएगी, क्या? अब कोई व्यक्ति राजा के पास में जाकर के कहे कि राजन आप तो मेरे को इस पेट दर्द की दवाई दे दो बस, मैं तो आप ही से लूंगा, किसी वैद्य जी के पास में नहीं जाना है। तो यार क्या पागल गलत व्यक्ति के पास में आ गया, गलत दुकान पर आ गया। जिसके पास जो है वह उसकी उपासना करने पर देता है, यह वाक्य लोक में सुप्रतीत है। इसलिए हे भद्र, ज्ञानी की उपासना करके प्रकट हुई है स्वपर विवेक ज्योति जिसकी, ऐसे आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही निरंतर सेव। ऐसे ज्ञान ज्योति को प्रकट करने के लिए, ज्ञानी की उपासना के लिए स्वपर विवेक रूपी ज्योति जिसकी है ना, जिस आत्मा की है, उसी आत्मा को आत्मा के द्वारा और आत्मा में ही उसकी सेवा कर। आत्मा में ही उसकी सेवा करेगा तो तेरे को आत्मा में ही आत्मा मिलेगा। सब आत्मा कैसे मिलेगा ये बताओ, आत्मा कौन देगा मेरे को? जिसके पास में है वो देगा, तो किसके पास में है आत्मा? कि तेरे स्वयं के पास में है तेरा निजी आत्मा, तो कौन देगा? कि तेरा आत्मा ही तुझे आत्मा की प्राप्ति करा सकता है। किसी और का आत्मा तुझे आत्मा नहीं दे सकता, किसी और के ज्ञान से तुझे ज्ञान नहीं मिल सकता, तुझे तेरे ही ज्ञान से आत्मा मिलेगा, समझ ले, ठीक है ना? अब देखिए, अब इस श्लोक को खत्म करते हुए इसका भावार्थ लिखते हैं। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की, और ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञानी की उपासना से अज्ञान की और ज्ञानी की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही प्राप्त होता है। आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान मिलेगा, आत्मा में सुख है तो उसके अवलंबन से सुख मिलेगा, ठीक है ना? और पुद्गल में जड़ता है तो पुद्गल के लक्ष्य से जड़ता मिलेगी, समझ में आई बात? इसलिए जिसको स्वपर विवेक की ज्योति प्रकट हुई है, स्वपर भेद विज्ञान जिसको प्रकट हुआ है, जो जिसको अपने और पराये का ज्ञान हुआ है, उसको आत्मा की और आत्मा द्वारा, आत्मा की आत्मा द्वारा और आत्मा में ही निरंतर उपासना करनी योग्य है। आत्मा की उपासना करो, इसका कैसे करूं आत्मा की उपासना? या आत्मा के द्वारा करो, जब आत्मा के द्वारा आत्मा की उपासना, लेकिन करूंगा कहां? क्या आत्मा में ही करो? आत्मा की उपासना आत्मा के द्वारा और आत्मा में, तीनों बातें स्वयं है। कितनी स्वाधीनता यहां बतला दी, पर की जरूरत ही नहीं है, मेरा काम मुझे करना है और रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब इतनी स्वाधीनता बतला देने के बाद फिर आचार्य देव कहते हैं कि भाई ये आश्रमों का भाव और निर्जरा आदि ये सब कैसे होंगे, ये इन सब चीजों की प्राप्ति कैसे होगी? या फिर शिष्य कहता है कि अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, क्या फल मिलता है? आप आत्मा की उपासना की बात तो कर रहे हो, आत्मा की निरंतर उपासना करने योग्य है, आत्मा को निरंतर ध्यान योग्य है, उसको मिलता क्या है? तो निष्पन्न योगी की अपेक्षा से
स्वात्म ध्यान के फल का ये प्रश्न है। अपने आत्म ध्यान के लिए ये प्रश्न है। और आचार्य देव ने आगे फिर ये 24 नंबर का श्लोक और प्रस्तुत कर दिया है संदर्भ में। अपन इस विषय को कल आगे बढ़ाएंगे, आज की बात को हम विराम देते हैं। वाणी स्तुति। ये निष्पन्न शब्द समझाएंगे। निष्पन्न का मतलब होता है संपन्न हो जाना, कार्य का हो जाना बस। निष्पन्न योगी माने जो स्वात्मनिष्ठ, निष्पन्न का अर्थ दिया इन्होंने स्वात्मनिष्ठ, अपने में जो ठहर गए हैं, जिन्होंने काम कर लिया है। निष्पन्न माने जो काम कर चुके हैं अपना। किसी भी चीज के संदर्भ में निष्पन्न शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो मतलब जिसको सिद्धि हो गई, यूं जिसको सिद्धि हो गई, ये योगी के लिए प्रयोग किया। निष्पन्न योगी मतलब जिसको सिद्धि हो गई, ऐसा योगी। निष्पन्न भोजन माने जिन्होंने भोजन कर लिया हो। निष्पन्न मतलब जो काम अपन करने की बात कह रहे थे वो काम मैं कर चुका, उसको कहेंगे निष्पन्न। ठीक है, थैंक यू। हमने आपसे पूछा कि साहब आपने भोजन कर लिया क्या, कि निष्पन्न निर्वृत्त हो गए उस काम को करके, वो निष्पन्न शब्द का अर्थ है। ठीक है ना, चलिए बोलते हैं हम। वाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोकालोक।